महाभारत का 136 एपिसोड है, नेक्स्ट पार्ट है, देखते हैं भाई क्या होता है। प्ले करें? हाँ यार प्ले करो। व्यासन यादवों को मारेगा तो उससे हमें क्या लाभ होगा मामा श्री? तीली को यदि तोड़ नहीं सकते तो से बीच से चीर डालो। पांडवों और यादवों को अलग कर दो तो दोनों को तोड़ना सरल हो जाएगा। यही एक व्यक्ति है जिससे सारा आर्यावर्त कांपता है, क्योंकि जरासंध को मारना संभव नहीं। जरासंध को मारना संभव नहीं। मारना संभव नहीं, ये किस प्रकार हो सकता है मामा श्री? सम्राट के पिता महाराज बृहदत्त की दो रानियां थी, किंतु संतान एक भी नहीं। महर्षि चंद कौशिक ने महाराज को एक फल दिया संतान प्राप्ति के लिए। महाराज ने उस फल को आधा आधा दोनों रानियों को खिला दिया। दोनों रानियों ने एक बालक के आधे आधे भाग को जन्म दिया। तब महाराज ने जरा नाम की राक्षसी की आराधना। जरा राक्षसी ने अपनी माया से दोनों भागों को जोड़ दिया और बालक को जीवित किया। जरा ने सांधा इसलिए सम्राट का नाम पड़ा जरासंध। सम्राट जरासंध की सम्राट जरासंध की सम्राट जरासंध की अपने बल का प्रदर्शन करो। आओ सम्राट जरासंध की सम्राट जरासंध की। सम्राट जरासंध की सम्राट जरासंध की इन्हें किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। सम्राट जरासंध की मृत्यु किस प्रकार हो सकती है? ये जरा राक्षसी और ईश्वर के सिवाय अन्य कोई नहीं जानता। Yeah.
जरासंध की जय। सम्राट जरासंध की जय। सम्राट जरासंध की जय। सम्राट जरासंध की जय। मेरे बच्चे चलो, मेरे बच्चे चलो। शिव जी ने विष पिया था तब जाके उन्हें चंद्र का मुकुट प्राप्त हुआ। अपमान के इस विष को पी जाओ। सम्राट की जय हो। प्रणिपात महाराज जरासंध। सम्राट जरासंध। तो तुम हो वासुदेव कृष्ण की बहन से विवाह करने गए थे। युवराज का युवान हृदय है सम्राट, प्रेम हो गया। असत्य गांधार राज। आपकी बहुत कीर्ति सुनी है हमने। आप जहां बैठते हो वहां राजनीति होती है, प्रेम नहीं। आपकी राजनीति वहां असफल हुई तो सफलता पाने के लिए आप मगध पधारे हैं, सम्राट जरासंध के पास। सम्राट, जब एक द्वार बंद हो जाता है तो दूसरा द्वार खोलना पड़ता है। ऐसे तो चूहे किया करते हैं गांधार राज। बिल का एक द्वार बंद हो जाए तो दूसरी ओर बिल खोदना आरंभ कर देते हैं। सिंह की गुफा में तो सिर्फ एक द्वार है और उसे बंद करने का साहस कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। सम्राट, आप अपनी शक्ति को अपनी मर्यादा मत बनाइए। हम तो आपके पास प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप राजसूय यज्ञ कीजिए। हस्तिनापुर की बांटी, यादवों के सारे शत्रु आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। आप स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कीजिए। अपना युद्ध स्वयं लड़ने की शक्ति ना हो तो युद्ध लड़ना ही मूर्खता है गांधार राज, मूर्खता। आप तो इतने वर्षों से अपना युद्ध स्वयं लड़ते आए हैं सम्राट जरासंध। फिर भी वासुदेव कृष्ण जीवित हैं और यादव समृद्ध। जब तक एक भी दीपक जल रहा है तब तक पवन निर्बल कहलाती है और वासुदेव कृष्ण तो अब दीपक से सूर्य बन गया है। मगध में उस ग्वाले का नाम लेना भी अपराध है।
और तुम उसकी प्रशंसा किए जा रहे हो। तुम तीनों को मृत्युदंड मिलेगा। सनी को बंदी बना लो तीनों को। और इनके मस्तक काट के कृष्ण को भेज दो। मेरे बच्चों बंदी बन जाओ। ये शकुनी की माया है। शीघ्र ही पांडवों को द्वा और दीवा दोनों में भेद समझ नहीं आएगा। शीघ्र ही पांडव हमारे जाल फंस जाएंगे। अरे सम्राट जरासंध तो होशियार, उसको पता चल गया कि ये सियासत वाला बंदा है। ये जहाँ भी होता है वहाँ कोई न कोई सियासत जरूर करेगा, षड्यंत्र करेगा। तो यार ये एपिसोड भी बड़ा खतरनाक था। ये बार हमने देखा जरासंध, इसके बारे में भी शकुनी ने बताया कि इसको मौत भी नहीं आ सकती और ये सिर्फ भगवान को ही पता है और इसको पता है, दूसरों को पता ही नहीं। तो जरासंध बड़ा खतरनाक लग रहा था। बाकी दुर्योधन इतना मेंटल है, कभी ना उसके इलाके के व्याकर हथियार को उठा के बोलता है मैं तुम्हें वो लड़ूंगा। यार ये कैसे कर सकता है? तो भाई ये दुर्योधन मेंटल है भाई।